किसानों के जैविक उत्पादों का विक्रय और आय में वृद्धि को लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर किसानों और खरीदारों के बीच उत्पादों के क्रय विक्रय के लिए सीधा संवाद किया गया। वहीं इस सम्मेलन जनपद चमोली के सैकड़ों किसानों को जैविक उत्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा है कि किसान समूहों ने अपने जैविक उत्पादों और जड़ी बूटी विक्रय न होने की समस्या रखी। किसानों को इस समस्या से निदान के लिए इस सम्मेलन में बाहर से विक्रेता बुलाए गए हैं। जैविक उत्पादन करने वाले किसान समूह और क्रेता के बीच सीधा संवाद कराया गया, ताकि किसान आसानी के साथ उचित दामों पर अपने उत्पादों का विक्रय कर सकें। जो मोटे अनाज है उनके पीछे जो भी कोई कारण है उसमें एक मुख्य भूमिका है। नमामि गंगे गंगे योजना चलती है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक कृषि की, तो उसमें क्या होता है कि हमने लगभग जनपद 5000 हेक्टेयर लिए हैं। इसमें 9247 कृषक हैं उसमें पंजीकृत, और 128 गांव जो गंगा के किनारे के हैं उनको उसमें दिया गया है, और उनसे जैविक कृषि कराई जा रही है। और दरअसल उनकी समस्या ये थी कि कृषि तो हम लोग कर ले रहे हैं, उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन वो उसका बिक्री नहीं हो पा रही, विपणन नहीं हो पा रहा। इसके तहत जिलाधिकारी महोदय भी कई बार मीटिंगों में उन्होंने कहा, और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने भी कहा कि एक बायर सेलर मीट का आयोजन कर